Hello guys, this is Kushagra. Welcome to Kushagra Center for Excellence. So guys, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स. आज हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स के बारे में. यानी कि ये अब ये इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स होता क्या है ना. सो इससे पिछले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, यानी कि जैसे 2 या 3 चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस करा था, और सेकंड चैप्टर में क्या डिस्कस करा, डेमोक्रेसी. सो इन दोनों को ही मिला के क्या बनता है, ये इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स. यानी कि इसमें हम इलेक्शंस की बातें करने वाले हैं. सो इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं. सो ये पार्ट फर्स्ट है. इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एक तो हरियाणा में कैसे इलेक्शन की असेंबली हुई थी, यानी कि असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. सो फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, यानी कि हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत होती है. फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना. फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे इट इज गुड हैव टू पॉलिटिक्स कंपटीशन. फिर इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि हमारे इलेक्शन का क्या सिस्टम है. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंस्टिट्यूएंसीज और रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज, और हम डिस्कस करेंगे वोटर लिस्ट और नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स. फिर और दो टॉपिक और बचेंगे इस टॉपिक के, वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, राइट. सो इस पार्ट को चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो. सो फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था क्या डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट हरियाणा वो सॉरी इलेक्शन असेंबली इन हरियाणा. अब देखिए क्या होता है कि ये जो थे ना वहां पे एक पार्टी क्या कर रही थी, रूल कर रही थी. कौन सी, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, और उसका लीडर कौन थे, चौधरी देवीलाल, ठीक है, वो लीडर थे. अब वो लीडर थे तो क्या हुआ कि वो जो थे वो एक चीज को और लीड कर देते, एक मूवमेंट को लीड कर देते, उसका नाम क्या था, न्याय युद्ध उसे लीड करते थे वो, है ना. अब एक नई पार्टी बनी वहां पे, क्या बनी, एक नई पार्टी बनी, लोकदल पार्टी बनी वहां पे. सो वो लोकदल पार्टी वहां पे, फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या करे थे, पीपल से कुछ प्रॉमिस किए थे. क्या प्रॉमिस किए थे, यानी कि उन्हें अपने लीडर अट्रैक्ट करे, इसलिए उनसे कुछ प्रॉमिस किए थे. अब पर सो क्या हुआ, फिर इसलिए पीपल उनसे नाराज थे, है ना. तो क्या हुआ कि अब वो जो इलेक्शन हुए, फिर क्या हुआ, इलेक्शन हुए. अब जो ये लोकदल है, लोकदल और इसके पार्टनर्स जो थे उसने कितनी सीट जीती, 76 out of 90, ठीक है. अब लोकदल जो थी, हमारी लोकदल की बात करते, उसने कितनी सीट जीती थी, 60 seats, कितनी, 60 seats. अब क्या हुआ कि ये जो था हमारा कौन, देवीलाल जो थे, ये चौधरी देवीलाल, ये कौन बने, ये बन गए एक चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने. क्यों, क्योंकि एमएलए थे ये. क्या बन गए थे, जब ये इलेक्शन में लोकदल पार्टी जीती तो एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या बन गए थे, मेंबर, इसलिए चीफ मिनिस्टर बन गए. सो ये समझ में आ गया, यानी कि असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, हरियाणा में कैसे असेंबली, ये असेंबली इलेक्शंस हुए थे इसमें, ठीक है, एक असेंबली में इलेक्शन हुए थे. अब हरियाणा में दो ही पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी और लोकदल पार्टी. अब जीती कौन सी, लोकदल पार्टी, है ना, कौन जीती, लोकदल पार्टी. अब पहले तो वो किसका लीडर थे, वो थे कांग्रेस पार्टी के, फिर किसके लीडर बन गए, लोकदल पार्टी के, इसलिए लोकदल पार्टी जीत गई. फिर क्या हुआ कि ये इसके बाद जो टॉपिक मैंने आपको बताया था वो क्या था, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत होती है. पहले तो देख लेते हैं इलेक्शंस क्या होते हैं. चलिए देखते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, यानी कि जिसमें क्या होते हैं कि रूलर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव से जो चुने जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव उन्हें चुनते हैं, ऐसे मैकेनिज्म को हम इलेक्शंस कहते हैं. क्या, इलेक्शंस. अब हमें क्यों जरूरत होती है कि अब देखिए जिस भी कंट्री में इलेक्शंस हैं, आपको पता होगा कि जिस भी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, है ना, जिस भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, सो वो क्या होता है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, है ना, यानी कि तय कर लेते हैं इलेक्शन को क्यों जरूरत होती है, तय कर लेते हैं, यानी कि हम
तय कर लेते हैं हम कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब क्या है कि एक होती है लोकसभा, एक होती है विधानसभा। क्या लोकसभा में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, और विधानसभा में स्टेट 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 की बात करते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर। बस ये बात याद रखनी है हमें, विधानसभा में चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं और लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर। अब जो ये है, ये लोकसभा जो होती है पूरे इंडिया के लिए है। जैसे मान लिया इंडिया है, उस पूरे हमारे कंट्री के लिए होनी चाहिए, इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया के लिए होगी ये, ठीक है। अब कौन लोकसभा, क्योंकि इसमें क्या चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, इसमें प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर तो चुने जाते हैं, पर अब ये जो है हमारी विधानसभा, विधानसभा में क्या होता है कि ये जो हमारी विधानसभा है ना, इसमें सिर्फ स्टेट के चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। कौन? चीफ मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं इसमें, ठीक है। अब तो क्या हुआ, इसमें इलेक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्शन की वजह से तो हुए, इसलिए हमें इलेक्शन की जरूरत होती है, राइट, पता चल गया। अब क्या होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, सॉरी वोटर्स, उनके क्या होते हैं, कुछ डिसीजंस, उनकी कुछ मांगे होती हैं। तो क्या होती है, देखिए क्या क्या होती है। हाँ तो देखिए, they can choose who will make law from them, यानी कि वो ये बताते हैं कि वो ये देखते हैं, वो चूज करते हैं, किसे चूज करते हैं कि ये जो हमारा कौन हमारे लिए क्या लॉ बना रहा है ना। तो पहली तो ये होती है ना। फिर दूसरा क्या है, they can choose who will the form of government and take major decisions, यानी कि वो ये देखते हैं कि कौन चूज करता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो फॉर्म होती है कौन उसे चूज करता है, राइट। ये चूज करता है, यानी कि फॉर्म जो होती है गवर्नमेंट की, और जो गवर्नमेंट है वो एक यानी कि ले मेजर decisions, कुछ decisions ले, है ना। अब फिर क्या है इसके बाद, जो थर्ड पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, they can choose the party whose, यानी कि वो चूज करते हैं उस पार्टी को जो क्या करती है, रैपिड द गवर्नमेंट एंड मेकिंग लॉ, जो क्या करती है, जो ज्वाइन करती है किसको, गवर्नमेंट को, और क्या बनाती है, एक लॉ, उसको, उस पार्टी को चूज करता है ये, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आता है, मैंने आपको बताया था व्हाट मेक एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, यानी कि हम कैसे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। सो अब जैसे हम सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लें, तो वहां इलेक्शंस तो होते हैं, पर वहां पे वुमेन्स वोट नहीं दे सकती। अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री वो नहीं है, क्योंकि वहां डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, वहां तो वुमेन्स वोट नहीं दे रही। अब जिस कंट्री में सबको वोट देने का अधिकार हो, सो वही कंट्री डेमोक्रेटिक मानी जाती है, यानी कि उसी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, राइट। अब हमारा इंडिया इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब ये जो है कि इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो 5 पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है देखते हैं, आइए फर्स्ट है देखिए, एबिलिटी टू चूज, यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए किसके लिए, चूज करने के लिए। अब इसमें क्या है, वन वोट वन पर्सन और वन वैल्यू, ये चीज इसमें दी होती है, यानी कि एबिलिटी टू चूज, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एबिलिटी टू चूज, यानी कि एबिलिटी होनी चाहिए उन्हें चूज करने की किसी भी पर्सन को, है ना। यानी कि अब एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास, जितने भी पर्सन हैं वो वोट देने का, यानी कि कह सकते हैं कि वन वोट वन पर्सन और वन वैल्यू, यानी कि जो एक वोट है वो, और जो जिस पर्सन ने, एक पर्सन ने जो वोट दिया है वो, उसकी क्या एक वैल्यू होती है, यानी कि जितने भी पर्सन है, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जितने भी पर्सन है उनकी जो वोट
उनका जो वोट होता है उसकी वन वैल्यू मानी जाती है, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद जो आता है हमारा देयर, देयर शुड बी, देयर शुड बी, देयर शुड बी देयर शुड बी इसके बाद क्या था देख लेते चलिए। हाँ तो क्या है कि इसके बाद क्या है यहाँ पे समथिंग क्या है, देयर शुड बी ए, देयर शुड बी ए नहीं है यहाँ पे, देयर शुड बी समथिंग चूज फॉर्म, चूज फॉर्म ये होता है। अब इसमें होता क्या है यानी कि देयर शुड बी समथिंग चूज फॉर्म यानी कि जो जितने भी लोग हैं वो चूज जो करते हैं ना उनके पास समथिंग, जिसने भी जो चूज करते हैं ना जितने भी लोग यानी कि उनका एक फॉर्म होता है यानी कि जितने भी लोग चूज करते हैं वो देखते हैं कि हम कौन सी पार्टीज यानी कि पार्टीज जो होती हैं जितने भी लोग होते हैं जाके वो उन अपनी पार्टीज के और कैंडिडेट्स को अपनी पार्टीज को चूज करते हैं और कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, राइट। पार्टीज और कैंडिडेट्स को ये चूज करते हैं, ठीक है, चूज करते हैं ये। अब इसके बाद जो सेकंड है तो सॉरी थर्ड, सेकंड हो गया ये। अब थर्ड जो है वो क्या है, देयर शुड शुड बी ऑफर्ड, देयर शुड बी ऑफर्ड क्या है, देयर शुड बी ऑफर्ड टू रेगुलर इंटरवल, क्या है कि अब इसमें क्या है, देयर शुड बी ऑफर्ड टू रेगुलर इंटरवल। अब इसमें क्या है यानी कि हमें ये हम ऑफर करना है कि रेगुलर इंटरवल करें यानी कि इसमें क्या होते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं ना ये क्या होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, रेगुलरली रेगुलरली होने चाहिए, एल लगे यहाँ पे रेगुलरली, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन है इसके में क्या कहा गया कि इलेक्शन जो है ये रेगुलरली होनी चाहिए, राइट। अब जो थर्ड वो सॉरी फोर्थ आता है वो क्या है, देयर कैन प्रिफर्ड बाय द पीपल गेट, यानी कि ये इसमें क्या कह रहा है, देयर कैन प्रिफर्ड ये क्या होता है, प्रिफर्ड होता है द पीपल गेट, जो पीपल ये उस पीपल से प्रिफर्ड होता है यानी कि जिन्हें इन्हें बोर्ड दिया है, है ना, जिन्होंने इन्हें वोट दिया है यानी कि प्यूपिल इन्हें वोट दिया है तो उस पीपल को ये प्रिफर्ड करते हैं, है ना, जिस यानी कि जो प्यूपिल होता है जिस भी आदमी को रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं तो वो उस पे प्रिफर्ड रहते हैं, राइट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इलेक्शंस भी एक पॉइंट आता है। अब इलेक्शंस यानी कि क्या गया है इसमें, इसमें क्या है, फ्री और फेयर, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना ये फ्री और फेयर होने चाहिए, फ्री और फेयर मैनर से, मैनर्स फ्री और फेयर मैनर से होने चाहिए ये भी कहा गया है। सो ये क्लियर हो गए 5 के 5 पॉइंट्स, है ना, किसके लिए, यहाँ की जो हमें ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस उस कंट्री में होते हैं ये उसके 5 पॉइंट्स हो गए, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा, इट इज गुड हैट टू पॉलिटिक्स कंपटीशन, यानी कि क्या पॉलिटिक कंपटीशन यानी कि इलेक्शन हमारे लिए गुड है, हाँ गुड है। सो अब ये जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कंपटीशन ये भी बहुत यानी कि इसकी भी वेरियस फॉर्म होती है और जो इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। अब जो मैंने टॉपिक बताया था व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन यानी कि हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है। सो उसमें ही ये दिए हुए हैं
यानी कि इलेक्ट्रिकल, वो इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये। अब इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें जो कंट्री होती है ना वो डिवाइड होती है एरियाज में, यानी कि इस ऐसे एरियाज में डिवाइड होती है जहां इलेक्शन हो होते हैं। क्या इलेक्शंस, इलेक्शंस होते हैं वहां पे, ठीक है। अब एरियाज, अलग अलग एरियाज में जब वो रहेगी कंट्री होती है ना, जैसे हमारी कंट्री स्टेट में रहती है डिवाइड है ना, तो ऐसे और जो कंट्री होती है वो एरियाज में डिवाइड रहती है, वहां पे इलेक्शंस जो होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि वहां पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकल होते हैं, यानी कि वहां पे इलेक्शंस होते हैं तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। अब जो हमारी ये जो है हमारी लोकसभा जो है, लोकसभा लोकसभा जो है इसमें क्या है, ये जो हमारी लोकसभा है उसमें लोकसभा जो है इसमें क्या है 553 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। क्या 553, अब हमारा इंडिया है मान लिया हमने, है ना, मान लिया हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्या है 543 है ना। अब इसमें से कॉन्स्टिट्यूएंसी वो कहीं के भी हो सकते हैं, यानी कि ये राजस्थान, वो सॉरी राजस्थान नहीं, वो क्या कहते हैं पंजाब वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पे कहीं भी राजस्थान वाला जो एरिया है ये जहाँ के वहां के भी कहीं के भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह सकते हैं, है ना, है क्या क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अब हमारा, ये तो क्लियर हुआ यानी कि क्या ये इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं जो वीकर होते हैं, यानी कि वीक होते हैं, तो ये मतलब किसने चीजों से होते हैं, यानी कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, एजुकेशन नहीं होती है और कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, है ना, यानी कि एजुकेशन जो नहीं होते हैं जिनके पास, सो उन्हें माना जाता है ना, रिसोर्स नहीं होते हैं, है ना। तो अब जो जो वीकर नहीं है यानी कि जो लड़ते हैं तो इन्हें हरा देते हैं, वो लड़के हरा देते हैं इन्हें, है ना। अब ये है कौन कौन से, ये बिलोंग करते हैं दो चीजों को, एससी और एसटी। एससी क्या है, क्या एससी और एसटी, एससी क्या है और एसटी क्या है, एससी यानी कि सेकुलर कास्ट, क्या सेकुलर कास्ट, और एस टी यानी कि सेकुलर ट्रिब, सेकुलर ट्रिब्स यानी कि ये कहा गया है नहीं? है ना, ये कहा गया है। सो एससी जो होती है, अब ये एससी जो होती है ना, एससी ये क्या बताती है, इलेक्शंस को बताती है, इलेक्शंस कैसे हो, सेकुलर कास्ट के जो इलेक्शंस होते हैं ना उन्हें बता दिया। अब ये जो एस टी है यानी कि सेकुलर ट्रिब्स जो है ये कॉन्टेस्ट करती है, क्या कॉन्टेस्ट करती है, किसको, इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती है ना, जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है, इसलिए इसे एसटी कहा गया है, ठीक है। अब ये जो एससी है और एसटी है, जो लोकदल हमारी, वो लोकदल थी उसने, उसमें कितनी सीट आई, इसमें आई 84 और इसमें आई 47, कब आई, 1 सितंबर 2012 में इतनी सीटें आई, एससी से कितनी आई 84 और एसटी से 47, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया तब, ये क्लियर हो गया है ना। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, क्लियर हुआ। अब आता है वोटर लिस्ट, बताया ना वोटर लिस्ट में क्या है कि यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेजिबल होते हैं, इलेजिबल होने चाहिए, इलेजिबल यानी कि वो जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस इलेजिबल होने चाहिए, तो ऐसे को इसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट को हम दूसरा नाम भी है, वोटर लिस्ट का दूसरा नाम भी है एक, है ना, वोटर लिस्ट। अब जब इलेक्शंस होते रहते हैं तो वोटर की जो लिस्ट बनती है उसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट, क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, सो ये क्या है, लास्ट टॉपिक आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। अब इसे देख लेते हैं क्या है ये नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट क्या है। अब देखिए क्या है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब जैसे कि जो कैंडिडेट्स होते हैं और वोटर्स जो होते हैं वो के एज के हिसाब से होने चाहिए, वोटर्स जो है अभी वोटर्स
और कैंडिडेट्स। अब जो वोटर है उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 इयर्स, और जो कैंडिडेट है ना उनकी कितनी होनी चाहिए, 25 इयर्स। ठीक है, अब जब वोटर की एज, जो वोट डाल रहा है व्यक्ति, उसकी एज क्या हो जाएगी, 18 इयर्स हो जाएगी, तो वो वोट डालने लगेगा। अब जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स कितने इयर्स के होने चाहिए, 25, है ना। अब ये इनके लिए क्या होता है, पार्टी टिकट होता है, यानी कि जिस पार्टी में उसे जाना होता है ना, पार्टी टिकट्स होता है, जिस पार्टी में उसे जाना होता है कैंडिडेट को, है ना, जिस भी पार्टी में उसे जाना होता है, तो उस पार्टी का टिकट ले, टिकट लेके उसे दिखाते हैं कि हमें इस पार्टी में जाना है, तो उस पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। फिर अब जो चीज पार्टी, उस वो पार्टी जीत गई तो सही है, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो पार्टी टिकट चाहिए होता है। फिर इसके बाद जो चीज आती है वो आती है नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म क्या है, अभी नॉमिनेशन फॉर्म में क्या गया है, यानी कि एक फॉर्म भरना रहता है, यानी कि उन्हें क्या करना रहता है, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं इन्हें फॉर्म भरना रहता है। सो उसी फॉर्म को क्या कहते हैं, नॉमिनेशन कहते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म से उनकी एंट्री हो सके उसे कहते हैं हम नॉमिनेशन फॉर्म। उस फॉर्म को भरने के बाद उनकी एंट्री होगी। अब जो फिर लास्ट जो आता है वो आता है सिक्योरिटी, 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 सिक्योरिटी और सिक्योरिटी और पे करना पड़ता है, यानी सिक्योरिटी पे, यानी कि पे कह सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा कुछ उन्हें पे करना पड़ता है ना, कुछ चीज उन्हें क्या करनी पड़ती है, पे कर, पे भी करनी पड़ती है। जो ये कैंडिडेट्स होता है ना, इन्हें पे भी करनी पड़ती है। अब नॉमिनेशन कैंडिडेट समझ में आया, लेकिन पहले तो उनकी इयर्स के हिसाब से सही, उनकी इयर्स बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, और उनके पास पार्टी टिकट्स होनी चाहिए, और उनके पास नॉमिनेशन फॉर्म होना चाहिए, और उनके पास पे करने के लिए जो ये सिक्योरिटी पे होता है हमारा, वो होना चाहिए, राइट। अब इतना समझ में आया। सो इस पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, पार्ट फर्स्ट में हमने इसके बारे में पढ़ा कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, और इलेक्शंस कैसे की जरूरत क्यों होती है, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, ये सब हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में सॉरी, हमने डिस्कस करा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय।